वेलकम डियर स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास ट्वेल्थ की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और पी ब्लॉक में भी हम पढ़ रहे हैं ग्रुप नंबर 16 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री। 16 एलिमेंट्स की केमिस्ट्री के दो वीडियो पहले आ चुके हैं और ये उसका थर्ड वीडियो है। और आज हम पढ़ने वाले हैं 16 एलिमेंट्स के कुछ कंपाउंड्स। उनमें से दो कंपाउंड आज हम पढ़ेंगे, वो फर्स्ट है डाई ऑक्सीजन और सेकेंड है इसी ऑक्सीजन का एक एलोट्रॉप्स ओजोन। और उसके बाद पढ़ेंगे इन दोनों की रिएक्शन यदि किसी एलिमेंट से हो जाए तो जो बनते हैं वो है ऑक्साइड्स। तो आज हम पढ़ेंगे मेनली तीन, डाई ऑक्सीजन, ओजोन एंड ऑक्साइड। चलिए हम हमारे मेन टॉपिक पे चलते हैं। क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रुप नंबर कौन सा है, 16 है। और 16 में भी हम क्या पढ़ रहे हैं, कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं उनके, हम उनके कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं रियल में, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन, कंपाउंड्स ऑफ ऑक्सीजन। तो फर्स्ट उसमें आ रहा है हमारे पास डाई ऑक्सीजन, डाई ऑक्सीजन। तो फर्स्ट हम क्या पढ़ लें, जितने भी कंपाउंड्स हैं उनमें सबसे कॉमन चीज तीन चीजें आती है। फर्स्ट आता है उनका प्रिपरेशन, सेकंड फिजिकल प्रॉपर्टी और थर्ड आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट हम इसका पढ़ते हैं प्रिपरेशन। प्रिपरेशन में क्या है, फर्स्ट आते हैं लेबोरेटरी मेथड, लेबोरेटरी मेथड। यदि आपको अपनी लैब में, केमिस्ट्री लैब में डाई ऑक्सीजन का प्रिपरेशन करना है तो आप क्या काम करें, ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स को हीट करें। कंपाउंड्स को क्या करें, हीट करें इनको, यानी ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स का क्या कर दें, थर्मल डीकंपोजिशन कर दें। जनरली ऑक्सीजन रिच कंपाउंड्स कौन होते हैं, वो होते हैं जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन कौन है हमारे पास है, जैसे फर्स्ट ले लेते हैं पोटेशियम क्लोरेट को, KClO3 को, इसको हीट करें तो ये KCl प्लस ऑक्सीजन में डीकम्पोज हो जाता है। सेकंड हमारे पास है पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, इसको भी हम हीट करेंगे तो क्या होगा, ये पोटेशियम मैग्नेट, ये पोटेशियम परमैंगनेट है और ये बना है पोटेशियम मैग्नेट, पर हट गया यहां से, प्लस क्या बनेगा, मैग्नीज डाइऑक्साइड, प्लस क्या बन गया, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन बन गई, ये ऑक्सीजन बन गई। थर्ड हमारे पास क्या है, नाइट्रिक एसिड से का एक सॉल्ट है पोटेशियम नाइट्रेट, इसको यदि हम हीट करेंगे तो क्या बनेगा, पोटेशियम नाइट्राइट प्लस ऑक्सीजन गैस। तो तीनों में क्या बन गई है, ऑक्सीजन गैस। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, लेबोरेटरी मेथड है। सेकंड हमारे पास क्या है, लेबोरेटरी मेथड में ही है, ये लेबोरेटरी मेथड है, सेकंड जो मेथड है वो लेबोरेटरी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं, लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड का क्या कर दें, लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड का क्या कर दें, थर्मल डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन। कौन से हैं ये ध्यान रखना, ऑक्साइड लो रिएक्टिव है, लो रिएक्टिव का मतलब जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे बॉटम पे आते हैं वो कौन कौन है हमारे पास है, मर्क्यूरी का ऑक्साइड ले लें, उसके बाद सिल्वर का ऑक्साइड ले लें, उसके बाद लेड के ऑक्साइड ले लें, Pb3O4 इनको ले लें आप। इनसे भी हम क्या बना सकते हैं, इनसे भी हम ऑक्सीजन का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कैसे होगा, यहां पर देखें, एक और ले लें PbO2, इन चारों को हीट करें। हीट करने से क्या होगा, ये चारों ऑक्साइड क्या करेंगे, ऑक्सीजन को रिलीज कर देंगे। यहां बन जाएगी Hg+O2, Ag+O2, Pb3O4 में बनेगा Pbo+O2 और यहां PbO2 से भी बनेगा PbO+O2, क्या बन गई, ऑक्सीजन। थर्ड हमारे पास जो मेथड है, तो फर्स्ट कौन सा था, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड से, सेकंड कौन सा था हमारे पास, वो मेटल ऑक्साइड जिसमें ऐसी मेटल हो जो रिएक्टिविटी सीरीज में बॉटम की ओर आती है, उनका हम क्या कर दें, थर्मल डीकंपोजिशन कर दें। थर्ड हमारे पास जो मेथड है वो है हाइड्रोजन परोक्साइड का। हाइड्रोजन परोक्साइड को थोड़ी सी हम हीट सप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, डीकंपोज हो जाएगा वाटर में। थर्ड हमारे पास है डीकंपोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परोक्साइड। बेरियम परोक्साइड भी ले सकते हैं, तो हम तो हाइड्रोजन के यहाँ रिएक्शंस करवा देते हैं, H2O2,
किसमें डीकम्पोज हो जाएगा, H2O प्लस O2 में, और यहां पर मैग्नीज डाइऑक्साइड जो है वो काम करता है कैटेलिस्ट का। थर्ड हमारे पास कौन सा हो गया, डीकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। फर्स्ट था इलेक्ट्रॉन रिच, सेकंड था लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड, और थर्ड हमारे पास है हाइड्रोजन परऑक्साइड से। अब हम चलते हैं इंडस्ट्रियल जो मेथड है उसमें हम जो ऑक्सीजन डाइऑक्सीजन ऑब्टेन करते हैं वो करते हैं लिक्विड एयर से। यानी जो एयर है हम उसको किसमें कन्वर्ट कर दें, लिक्विड में कन्वर्ट कर दें, और इस लिक्विड में कन्वर्ट करने के बाद इसका क्या कर दें, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। और जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या मिलती है, नाइट्रोजन, उसके बाद मिलता है आर्गन, और सबसे थर्ड कौन मिलता है, ऑक्सीजन। सबसे थर्ड क्यों मिला, क्योंकि जो ऑक्सीजन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इन तीनों में सबसे ज्यादा है, -193 डिग्री सेल्सियस। आर्गन का है 186 डिग्री सेल्सियस माइनस में, और नाइट्रोजन का है नेगेटिव में 193 डिग्री सेल्सियस। तो इन तीनों में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका है, ऑक्सीजन का है। तो सबसे एंड में जो हमें फ्रैक्शन मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से वो ऑक्सीजन होगा। तो ये हुआ इंडस्ट्रियल मेथड। अब आ जाते हैं हम लोग इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ज्यादा कुछ नहीं है। फर्स्ट हमारे पास है कि जो ऑक्सीजन है वो क्या है, ऑर्डरलेस, कोई स्मेल नहीं होती, टेस्टलेस, इसका कोई टेस्ट नहीं होता, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस और कलरलेस। और एक चाहूं तो मैं क्या जोड़ दूं, नॉन टॉक्सिक गैस है। वो सारी प्रॉपर्टीज यहां पर है जो नाइट्रोजन की भी थी, N2 की भी थी हमारे पास। सेकंड क्या हमारे पास है कि जो O2 है वो पैरामैग्नेटिक है। यही वो पॉइंट है जिसको कौन नहीं समझा पाया था, VBT, पैरामैग्नेटिक है। इसका मतलब क्या है, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या शो करती है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ अट्रैक्शन शो करती है, अट्रैक्ट होती है उसके साथ। और यही वो है जिसको VBT एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, इसके लिए MOTI थी। थर्ड हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप हैं, कौन कौन से हैं, O16, O17 और O18। ये ऑक्सीजन के क्या हैं, 3 आइसोटोप्स हैं। और लास्ट और चौथा थोड़ी बहुत स्लाइटली क्या है, सोल्यूबल है। किसमें है, सोल्यूबल इन वॉटर में है। तभी तो जितने भी एक्वाटिक लाइफ है वो सर्वाइव करती है। पानी के अंदर जो भी एनिमल्स और प्लांट्स है इस सोल्यूबल ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये चार क्या हुई इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब कहां जाते हैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में, ज्यादा नहीं है, लगभग सभी एलिमेंट्स चाहे वो मेटल है चाहे वो नॉन मेटल है वो क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शंस करते हैं और उन सबका ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगली क्या आ रही है हमारे पास, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो पहले किसके पढ़े हम केमिकल प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट क्या है, ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स कंबाइन विथ ऑक्सीजन। और क्या किसमें चेंज हो जाते हैं वो, एंड फॉर्म ऑक्साइड बनाते हैं। ये इसकी बेसिक रिएक्शंस है। और जो ऑक्साइड बनते हैं इनके, जो ऑक्साइड बनते हैं उसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली -2 होती है। ऑक्साइड होने चाहिए, परऑक्साइड या सुपर ऑक्साइड नहीं हो। तो जो ऑक्साइड बनेंगे इसमें ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी -2। अब आते हैं अगली चीज, यूजुअली रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन जो है वो कैसी है, लेस रिएक्टिव है, रिएक्शंस नहीं करती है। ध्यान रखना, रूम टेम्परेचर पर लेस रिएक्टिव है। क्यों लेस रिएक्टिव है, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन, हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
ये ज्यादा क्यों है? क्योंकि O और O के बीच डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड है, और इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए? हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। एक बार आपको एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? सप्लाई करनी पड़ेगी। तो इसके लिए क्या करें? देयरफोर O2 रिएक्ट ऑन हीटिंग। एक बार आपको हीट करनी, हीट सप्लाई करनी पड़ेगी, हीटिंग और एट हाई टेम्परेचर। आपको एक बार एनर्जी, हीट एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। वंस, अब काम की बात, वंस रिएक्शन स्टार्ट, एक बार यदि रिएक्शन स्टार्ट हो गई तो क्या होगा? इट ओवन। उसके बाद ये अपने आप होती जाएगी। वंस रिएक्शन स्टार्ट, आपने एक बार गर्म करके रिएक्शंस को स्टार्ट कर दिया है तो वो रिएक्शंस अपने आप होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? बिकॉज द रिएक्शन इज कैसी है? एक्सोथर्मिक होगी। हेंस तो क्या होगा? एक्सोथर्मिक हुई तो क्या होगा? हीट रिलीज्ड ड्यूरिंग रिएक्शन इज सफिशियंट टू सस्टेन द रिएक्शन फर्दर। काम की लाइन है, रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन रिएक्शंस नहीं करती। रीजन क्या है? वो डबल बॉन्ड है और इस बॉन्ड की बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा है, तो हमें रिएक्शंस को एक बार स्टार्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन जिसकी भी हो रही है, हमें उसे हीट एनर्जी सप्लाई करनी होगी। एक बार यदि आपने हीट एनर्जी सप्लाई कर दी और रिएक्शन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद ही अपने आप होती रहेगी। क्यों? क्योंकि जो रिएक्शंस होगी वो एक्सोथर्मिक होगी, और तो जो हीट एनर्जी रिलीज होगी उसी हीट एनर्जी को, वही हीट एनर्जी आगे के लिए ऑक्सीजन के बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के फॉर्म में यूज आ जाएगी और वो रिएक्शंस आगे होती रहेगी। अब ये रिएक्शन में अभी मैंने लिखा कि ऑलमोस्ट ऑल एलिमेंट्स कंबाइन हो जाते हैं, तो कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो कंबाइन हो जाते हैं? चाहे मेटल हो चाहे वो नॉन मेटल हो। तो मैं कुछ एक एग्जाम्पल बता देता हूँ आपको। कैल्शियम प्लस O2 क्या बन जाएगा? CaO। सोडियम प्लस O2 क्या बन जाएगा? Na2O। सल्फर प्लस O2 क्या बन जाएगा? SO2। C प्लस O2 क्या बन जाएगा? CO2। P4 प्लस O2 क्या बन जाएगा? P4O10। तो ये क्या है हमारे पास? ये मेटल है और ये नॉन मेटल है। अब कौन रिएक्शंस नहीं करते? कुछ नोबल मेटल्स जैसे गोल्ड, प्लेटिनम और कुछ नोबल गैसेस जैसे हीलियम, आर्गन, नियोन, ये रिएक्शंस नहीं करते। क्रिप्टॉन, ये रिएक्शंस नहीं करते। जिनोन कर लेता है, जिनोन का कंपाउंड बनता है जिनोन ट्राइऑक्साइड। तो हम ये नहीं कह सकते कि सारी नोबल गैसेस रिएक्शंस नहीं करती। क्या लिखें? सम नोबल गैसेस। तो कौन कौन सी हो गई हमारे पास? शुरू की चार, एंड की जो दो है उनमें से रेडोन तो रेडियो एक्टिव है, उसकी ज्यादा केमिस्ट्री भी मालूम भी नहीं है, लेकिन जिनोन रिएक्शंस कर लेती है। तो क्या हो गया हमारे पास? ऑक्सीजन। और लास्ट में क्या पढ़ लेते हैं? बस इतना ही है। ऑक्सीजन के यूज जो है, पहला हमें मालूम है कि इसका यूज क्या है। फर्स्ट यूज में आ जाते हैं हम लोग, अब फोर्थ यूज आते हैं। फर्स्ट आती है ब्रेथिंग में हम इसे लेते हैं। क्यों लेते हैं ऑक्सीजन को? क्योंकि ये क्या काम करती है? ऑक्सीडेशन करती है। किसका करती है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड करती है। उससे क्या होता है? एनर्जी रिलीज्ड होती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये कैसे प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है, और वो एनर्जी हमारे डेली रूटीन में बहुत सारे वर्क, बॉडी के अंदर जो वर्क हो रहे हैं या हमें जो वर्क करने पड़ते हैं उसमें यूज आती है। सेकेंड, इसका यूज क्या है? कंबशन में इसका यूज क्या है? यदि कोई भी चीज बर्न होती है तो रियल में वो किससे रिएक्शंस करती है? ऑक्सीजन से करती है। और क्या बनाती है? ऑक्साइड बनाती है। ये रिएक्शन भी कैसी होती है?
एक्सोथर्मिक होती है। तीसरा इसका यूज है ऑक्सी एसिटिलीन एसिटिलीन वेल्डिंग में, वेल्डिंग में ये क्या होती है, ये मिक्सचर्स होते हैं O2 का और C2H2, इसे कहते हैं एसिटाइलीन C2H2। ये एल्कीन है, एल्काइन, एल्काइन का फर्स्ट मेंबर है। इन दोनों के मिक्सचर्स को यदि हम कंप्यूट करें, इन दोनों के मिक्सचर्स को, तो ये क्या है, हाई टेम्परेचर डेवलप करते हैं, क्योंकि इसमें जो कार्बन का परसेंटेज है एल्काइन में वो ज्यादा है, और इसको हम प्योर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें तो हाई टेम्परेचर डेवलप होता है, और इसीलिए यूज कहाँ आती है, ये वेल्डिंग में आती है। हम इसे कई बार हमारे लोकल लैंग्वेज में बोल देते हैं गैस वेल्डिंग। वो गैस वेल्डिंग रियल में क्या है, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग है। अब चलते हैं इसके एक दो यूज जो और रह गए हैं उनको पढ़ लेते हैं। क्या है इसका एक दो यूज, ये ऑक्सीजन के जो सिलेंडर है वो कहाँ यूज आते हैं, हॉस्पिटल्स में, हॉस्पिटल्स में यूज आते हैं ऑक्सीजन सप्लाई करने के लिए। और इसके यूज क्या है, बस इसके यूज खत्म हो गए हैं। एक काम का पॉइंट, इसमें सबसे पहले ऑक्सीजन का प्रिपरेशन किसने किया था, कार्ल शीले ने किया था, कार्ल सीले ने किया था। कब किया था, 1772 में। प्रिपरेशन ने इसे सेपरेट किया था, अलग किया था इसे, और इसे कैसे उसने बनाया था, मर्क्यूरी ऑक्साइड को गर्म करके, क्या बन गई थी उससे, मर्क्यूरी और ऑक्सीजन, इसको बैलेंस कर देते, बैलेंस हो गई है। तो याद रखना, बहुत बार क्वेश्चन आता है सबसे पहले किसने प्रिपेयर किया इसको, कार्ल शीले ने किया, किससे किया, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को, मर्क्यूरिक ऑक्साइड को हीट करके किया। क्या खत्म हो गया हमारे पास, डाई ऑक्सीजन खत्म हुआ हमारे पास। अब हम किस पे चलते हैं, इसी का एलोट्रॉप, कौन है, ओजोन है। अब हम ओजोन पे चलते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं वो एनसीईआरटी का सिलेबस है, क्लास 12th का है, और हम पढ़ रहे हैं ग्रुप 16 के कंपाउंड्स। तो हम आ जाते हैं हमारे अगले वाले में, अगला कौन है हमारे पास, ओजोन है। ओजोन पे आ जाए फर्स्ट, ओजोन क्या है, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप से, जैसे कार्बन के ग्रेफाइट और डायमंड्स होते हैं। अब आते हैं ओजोन में, फर्स्ट हमारे पास क्या है, ओजोन का प्रिपरेशन। लेकिन इससे पहले ओजोन हमें मिलती कहां है, तो हमारी अर्थ की लेयर से लगभग 20 किलोमीटर ऊपर की तरफ, यहां कौन सी लेयर है, स्ट्रेटोस्फेयर है, स्ट्रेटोस्फीयर। और यहां क्या होता है कि यहां डाइऑक्सीजन जो है वो अल्ट्रा वोयलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब करके ओजोन बनाती है, और जब ये एक बार ओजोन बन जाती है, ये ओजोन की लेयर यहां बन गई, तो ये लेयर भी क्या करती है, यूवी लाइट को अर्थ तक नहीं पहुंचने देती है। तो दो काम हुए, देखो दो जगह यूवी लाइट का यूज हुआ है, फर्स्ट यूज कहां हुआ है, ऑक्सीजन से ओजोन बनने में। तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और ओजोन का प्रिपरेशन करते हैं, ओजोन बन गई तो ये ओजोन की लेयर फिर अब क्या काम करेगी, यूवी लाइट को अर्थ की सरफेस तक नहीं पहुंचने देती है। ये तो इसका कॉमन जीके टाइप का क्वेश्चन हो गया है। अब आते हैं प्रिपरेशन, प्रिपरेशन ओजोन प्रिपरेशन का हमारे सिलेबस में एक ही मेथड है, और वो है फ्रॉम डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन से हम इसे कैसे बनाते हैं, तो अब हम चलते हैं डाइऑक्सीजन से बनाने का तरीका, सिंपल सा है, ऑक्सीजन लो, अब ये लाइन काम की आएगी, यहां क्या पास करना पड़ेगा, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। ये क्या होता है समझते हैं, दी मैं दो वायर ले लूं और इन दोनों वायर को प्लग में लगा दूं, इन दोनों का पहला एंड, और इन दोनों वायर को टच करूं आपस में, तो क्या होगा, स्पार्किंग होती है और धड़ाम की आवाज आती है, यानी स्पार्किंग बहुत स्पीड के साथ होती है। यदि मैं ही इसी स्पार्किंग को क्या कर दूं, इस स्पार्किंग की इंटेंसिटी को कम कर दूं, स्पार्किंग की इंटेंसिटी को कम कर दूं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। क्योंकि यदि आप स्पार्किंग में इंटेंसिटी ज्यादा होगी, आर्क जो प्रोड्यूस होगी उसकी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, तो जो ओजोन बनेगी वो वापस डीकम्पोज हो जाएगी,
और वो एक्सप्लोजिव होता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है कि साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज हो, और यहाँ क्या बन जाएगी, ओजोन। यहाँ इसको बैलेंस कर देते हैं तो ये ओजोन बन गई, प्लस माइनस हीट है। इसका मतलब ये रिएक्शंस कैसी है, ये रिएक्शंस एंडोथर्मिक है। इसीलिए हमने क्या सप्लाई की, साइलेंट इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज सप्लाई करी, तो ये यहाँ ओजोन बन गई। यहाँ जो ओजोन बनेगी ये 10% तक बनेगी, इसका मतलब 90% जो है वो ओजोन नहीं है, अदर गैसेज होगी या ऑक्सीजन होगी। ये आप O2 से बना रहे हैं तो ये O3, जो ही 10% ओजोन बन जाएगी रिएक्शन स्टॉप हो जाएगी, अब ओजोन नहीं बनेगी। अब अगली एक और चीज, यदि हम ऑक्सीजन से ओजोन बनाते हैं तो हम इसे क्या कहते हैं, कहते हैं ओजोनाइड ऑक्सीजन। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका प्रिपरेशन किससे हुआ है, ऑक्सीजन से हुआ है। अगली एक और चीज लास्ट क्या है प्रिपरेशंस में, यदि हमें 10% से ज्यादा ओजोन का प्रिपरेशंस करना हो तो कैसे करें, तो हम एक डिवाइस यूज लेते हैं, एक अपरेटस यूज लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, बैटरी ऑफ ओजोनाइजर। और ये क्या काम करती है, ये भी O2 को O3 में चेंज करती है। ये डिवाइस है, ये सारा काम अब डिवाइस के अंदर होगा, और यहां जो ओजोन बनेगी वो 10% से ज्यादा होगी। अब आया इसी में अगला, यदि मान लो हमने ओजोन बना ली है तब उसको स्टोर कहां करते हैं, स्टोर किस में करते हैं, इसको स्टोर जहां भी ओजोन स्टोर हो रही है उसके बाहर एक लेयर होती है, वो है लिक्विड ऑक्सीजन के अंदर किसको हम कंट्रोल स्टोर करते हैं, ओजोन को। अंदर का मतलब ये कंटेनर है, और इस कंटेनर के बाहर की जो लेयर है उसमें कौन फिलअप की हुई है, लिक्विड ऑक्सीजन। क्यों, क्योंकि ओजोन हाईली अनस्टेबल है रूम टेम्परेचर पर, ये डीकम्पोज हो जाती है, हम पढ़ेंगे इसके आगे केमिकल प्रॉपर्टीज में। तो क्या खत्म हो गई हमारे पास, प्रिपरेशन का मेथड हो गया, किससे बनती है, ऑक्सीजन से बनाते हैं। अब चलते हैं हम लोग आगे फिजिकल प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ओजोन। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में भी ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है इसके अंदर, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, ये फर्स्ट पॉइंट, पेल ब्लू कलर की क्या है, गैस है। इसका जो लिक्विड में यदि हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो उसका कलर भी कैसा होगा, पेल ब्लू कलर ही होगा। इस सेकंड हमारे पास क्या है, सेकंड है कि ये इसकी जो स्मेल है वो कैसी है, पंजेंट स्मेल है। थर्ड क्या है कि O3 की जो स्ट्रक्चर है वो है बेंट है, इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर है, O डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड डेटिव बॉन्ड है, और यहाँ क्या है, एक लोन पेयर है, ये बेंट स्ट्रक्चर है। सेकंड क्या, हम आगे पढ़ेंगे इसके स्ट्रक्चर में रेजोनेंस भी होता है। ये जो ऑक्सीजन है इसका SP2 हाइब्रिडाइजेशन है। अब चलते हैं हम इसमें आगे, क्या है आगे हमारे पास है अगला मेन चीज, यदि इसकी ये जो है O3 जो है ये डायमैग्नेटिक का मतलब ये है कि ये क्या होगा, ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या शो करती है, रिपल्शन शो करती है। और फिफ्थ क्या है कि यदि इसकी क्वांटिटी एयर में 100 ppm से ज्यादा हो जाए तो क्या होगा, ब्रीथिंग जो है वो डिफिकल्ट हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, और क्या होता है, हेडेक शुरू हो जाता है, और क्या हो जाता है, छींकें आती है, और जुखाम जैसी स्थिति हो जाती है, यानी नोजिया हो जाता है।
कि तीन प्रॉब्लम कब हो जाती है, जब एटमॉस्फेयर में जहां हम हैं वहां इसकी कंसंट्रेशन 100 ppm से ज़्यादा हो जाए, तो ये क्या ख़त्म हुई, ओजोन की फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अब हम कहाँ चलते हैं, ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टीज़ में। तो ओजोन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो ज़्यादा नहीं है, सिंपल सिंपल सी प्रॉपर्टीज़ है। तो फर्स्ट क्या आ जाते हैं ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी में, ध्यान से समझना क्योंकि ये ओजोन जो है वो इम्पोर्टेंट कंपाउंड है। फर्स्ट आते हैं ओजोन की केमिकल प्रॉपर्टी में। फर्स्ट प्रॉपर्टी को पढ़ने से पहले हम क्या पढ़ लें, फर्स्ट प्रॉपर्टी नहीं है ये, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है, ओजोन इज थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है ये डीकंपोज हो जाती है, इट डीकंपोज्ड इन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन ही माने हम तो यहां पर इन ऑक्सीजन। अब देखें कैसे होगी, ठीक इसके प्रिपरेशन की जो रिएक्शंस है उसकी अपोजिट है ये, यहां क्या लिख दूं 3, यहां क्या लिख दूं 2। क्यों है ये अनस्टेबल, क्यों है थर्मोडायनेमिकली, क्योंकि इसका जो डेल जी है, इसका जो डेल जी है वो नेगेटिव है। कैसे आया नेगेटिव, कि मैं इस रिएक्शंस को देखूं तो हमें क्या मालूम था कि ऑक्सीजन से ओजोन बनाने का मेथड जो था वो एंडोथर्मिक था, इसका ठीक रिवर्स प्रोसेस ये है, तो ये कैसा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक होगा। यदि ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है तो इसका डेल एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सेकंड चेंज इन एंट्रोपी चेक करते हैं, एंट्रोपी का मतलब रैंडमनेस हम चेक करते हैं, तो हमें क्या मालूम चला कि यहाँ जो ओजोन है वो भी गैसियस है और यहाँ जो ऑक्सीजन है वो भी गैसियस है। यहाँ 2 mole हैं गैस के और यहाँ क्या है 3 mole हैं। इसका मतलब जब रिएक्शंस हुई तब गैसियस मोल्स जो हैं वो उनके मोल्स इंक्रीज हो गए हैं, यानी एंट्रोपी कैसी हो गई है, एंट्रोपी चेंज इन एंट्रोपी कैसी है, पॉजिटिव है। तो मैं इन दोनों वैल्यू को कहाँ पुटअप कर दूँ, गिब्स फ्री इक्वेशन में, डेल जी इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो डेल एच कैसा है, नेगेटिव है और टी डेल एस कैसा है, पॉजिटिव है। इन दोनों को सोल्व करें तो डेल एच भी नेगेटिव है और टी डेल एस भी कैसा हुआ, नेगेटिव, ये भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव। तो दोनों मिलके क्या काम करते हैं, रेनफोर्स्ड करते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं, हिम्मत बढ़ाते हैं, रेनफोर्स करते हैं टू लार्ज वैल्यू, लार्ज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल जी। इससे जो डेल जी की वैल्यू आती है वो नेगेटिव में क्या आती है, ज़्यादा आती है, यानी ये रिएक्शंस स्पॉन्टेनियसली हो जाएगी। डेल जी नेगेटिव है इसका मतलब क्या है कि रिएक्शंस कैसी है हमारे पास, स्पॉन्टेनियस है, रिएक्शंस हो जाएगी। अब आते हैं यहीं पर एक और चीज़ समझते हैं हम लोग, मान लो कि हमने किसी कंटेनर में ओजोन को क्या कर दिया है, स्टोर किया हुआ है और इसकी कंसंट्रेशंस यहाँ ज़्यादा है इस कंटेनर के अंदर, मान लो यहाँ की जो ओजोन है वो डीकम्पोज होना शुरू हो गई, तो क्या होगा, ये 2 mole थे ये 3 mole बनेंगे, तो अंदर जो गैसियस मॉलिक्यूल्स है उनके नंबर्स क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। गैस के मोल्स क्या हुए, बढ़ गए, गैस के मोल्स बढ़ेंगे तो अंदर का प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा, प्लस क्या हो रही है, रिएक्शंस कैसी है, एक्सोथर्मिक है, तीसरा क्या होगी, एक्सोथर्मिक है तो क्या रिलीज हो रही है, हीट, हीट एनर्जी भी रिलीज हो रही है। तो तीनों को मैं कंबाइन कर दूं, इन दो को, तो क्या होगा, ये जो कंटेनर है अंदर प्रेशर बढ़ता जाएगा और एक साथ ये कंटेनर ब्लास्ट के साथ क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, प्लस साथ में क्या रिलीज होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए क्या कहा जाता है कि हाई कंसंट्रेशन में क्या ओजोन को स्टोर करते हैं तो क्या है, ये डेंजरसली क्या है, एक्सप्लोजिव है। क्यों है, इसके दो रीजन क्या है कि ये जो थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल है, अनस्टेबल होने के साथ साथ रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है और
जहां पर भी आप स्टोर करेंगे और ये एक बार डीकम्पोज होना शुरू हो गई तो क्या होगा, नंबर ऑफ गैसियस मोल्स भी बढ़ जाएंगे इसके, क्योंकि डाई ऑक्सीजन बन रही है उसके 3 मोल बन रहे हैं, तो प्रेशर बढ़ जाएगा और साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। ध्यान रखना ओजोन थर्मोडायनेमिकली अनस्टेबल क्यों है, उसका ये आंसर्स है। अब चलते हैं हम लोग इसकी अगली प्रॉपर्टी, और वो क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओजोन बहुत बढ़िया क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि ये नेंसेंट ऑक्सीजन रिलीज कर देता है। तो सेकंड हमारे पास क्या है, ओजोन इज ए पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्यों है, क्योंकि O3 जल्दी से डीकंपोज हो जाता है O2 प्लस O में, और इस O को क्या कहते हैं, नेंसेंट ऑक्सीजन। और ये ऑक्सीजन तैयार है किसी भी दूसरे के साथ जुड़ने के लिए, और ये ऑक्सीजन किसके साथ जुड़ जाती है, एलिमेंट्स के साथ जुड़ जाती है, और उसका क्या कर देती है, उसको ऑक्साइड में, एलिमेंट ऑक्साइड लिख देता हूं मैं यहां पर, उसको एलिमेंट ऑक्साइड में कन्वर्ट कर देती है। तो इस एलिमेंट का क्या हो गया है, ऑक्सीडेशन हो गया है। अब कौन कौन सी रिएक्शंस है, ये मेटल का और नॉन मेटल का सबका ऑक्सीडेशंस कर सकती है। मैं सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं, किनको, ZnS को ओजोन के साथ रिएक्शंस कराओ, क्या बन जाएगा, ZnSO4। ZnS के अलावा किसके साथ कराओ, CuS के साथ कराओ तो भी क्या बन जाएगा, CuSO4 प्लस क्या बनेगी इधर, O2 प्लस क्या बनेगी, O2। CdS के साथ भी रिएक्शंस करा दो तो भी यही रिएक्शंस होगी, CdSO4 प्लस O2। PbS के साथ रिएक्शंस कराओगे तो भी क्या होगा, O3 है इधर, इधर O3 है, क्या बनेगा, PbSO4 प्लस क्या बन जाएगा, O2। यानी क्या कर देती है, ऑक्सीडेशन। यहाँ किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ मेटल का नहीं सल्फर का हो रहा है, इन चारों में जो ऑक्सीडेशन हो रहा है वो सल्फर का हो रहा है। तो ये सल्फर क्या है, यहाँ पर नॉन मेटल है। यदि हम ओजोन की रिएक्शंस कार्बन के साथ भी करा दें तो भी क्या होगा, CO2 में चेंज हो जाएगी, प्लस क्या बनेगी, ऑक्सीजन। और ये जो O बचेगी ये भी किससे रिएक्शंस कर लेगी, C से। तो क्या कर सकती है, ओजोन क्या है, बहुत बढ़िया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये उसकी दूसरी प्रॉपर्टी है। ओजोन लगभग बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ रिएक्शंस करके क्या करती है, उनको ऑक्सीडाइज कर सकती है। अब चलते हैं बच्चों हम तीसरा और इसका मेन करैक्टर, ये सिंपल सा था, अब आ जाते हैं हम तीसरे में, तीसरा काम का है बच्चों। और तीसरा क्या है, एस्टीमेशन ऑफ ओजोन, क्वांटिटेटिवली एस्टीमेशन ऑफ ओजोन, क्वांटिटेटिव एस्टीमेशन ऑफ ओजोन काम का टॉपिक है। क्या है, कहीं पर भी ओजोन है तो उसकी क्वांटिटी कितनी है, क्वांटिटी कितनी है, उस क्वांटिटी को मीजर कैसे करें, तो ये उसका एक मेथड है। ज्यादा है ऑक्सीजन है या कम है, हम वॉल्यूम में मोल में मीजर करना चाहते हैं, मोल पर लीटर या जो भी इसकी कंसंट्रेशन है, हम कैसे मीजर करें, तो इसके लिए क्या काम करते हैं, इसके लिए काम करते हैं कि हम इसकी रिएक्शन ओजोन, जहां पर भी ओजोन है हमें नहीं मालूम इसकी क्वांटिटी कितनी है, हम उस ओजोन की रिएक्शंस कराते हैं एक्सेस KI के साथ। एक्सेस KI है और ये किसमें डिजोल्व है, वाटर के अंदर, एक्सेस KI है और साथ में वाटर भी है, वैसे वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम है, एक्सेस है I2 की, KI वाटर में सॉल्युबल है, I2 की कम है, तो हम क्या लेंगे, ओजोन का क्या कराएंगे, रिएक्शंस कराएंगे एक्सेस KI के साथ, तो क्या होगा, यहां कौन है, I- है, ये ओजोन क्या काम करेगी, इस I- को I2 में चेंज कर देगी, और अंदर क्या है, एक्सेस है, तो अंदर अभी भी क्या बचा हुआ है, KI है, तो ये I2 वाटर में डिजोल्व नहीं होगा, ये I2 KI के साथ बॉन्ड बना लेगा और KI3 के फॉर्म में रहेगा, प्लस क्या बनेगी, यहां से क्या बन जाएगा, 2KOH प्लस क्या बन गई, ओजोन। इसका मतलब जहां पर भी ओजोन है वहां हम उसकी रिएक्शन किससे करवा रहे हैं, KI के साथ करवा रहे हैं, KI का क्या करेगी, ओजोन ऑक्सीडेशंस कर देगी, तो I2 कितना बनेगा,
ये डिपेंड करेगी कि ओजोन कितनी है। यदि I2 ज्यादा बन रही है तो ओजोन ज्यादा है। यहां से हमें एक ये आइडिया मिल जाएगा। अब I2 कितनी बनी है, अब अगला इसका स्टेप है, अब हमें क्या पता लगाना है I2 की क्वांटिटी कितनी बनी है। तो अगला स्टेप क्या करें I2 का पता लगाने के लिए, ट्राइट्रेशन विथ सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट के साथ टाइट्रेशन करेंगे टू मेजर द क्वांटिटी ऑफ आयोडीन। आयोडीन कितनी बनी है ये पता लगाने के लिए हम सोडियम थायोसल्फेट के साथ इसकी टाइट्रेशन करेंगे। ये सोडियम थायोसल्फेट क्या काम करता है, Na2S2O3, ये इस आयोडीन को वापस आयोडाइड में कन्वर्ट कर देता है। तो जितनी आयोडीन होगी उतना ही कौन यूज आएगा, सोडियम थायोसल्फेट। तो अब दिमाग लगाते हैं, यदि सोडियम थायोसल्फेट ज्यादा यूज आता है इसका मतलब आयोडीन ज्यादा है, और यदि ये कम यूज आता है इसका मतलब आयोडीन कम है। इसका मतलब सोडियम थायोसल्फेट क्या देगा हमें, इनडायरेक्टली इंडिकेट अबाउट द क्वांटिटी ऑफ ओजोन। कैसे, I2 ज्यादा बना इसका मतलब ओजोन ज्यादा था, और I2 ज्यादा बना इसका मतलब सोडियम थायोसल्फेट का यूज ज्यादा होगा। ध्यान रखना दो रिएक्शन से, और यहां एक और चीज याद रखना, यहां हम इस रिएक्शंस की पीएच को चेंज नहीं होने देंगे, कैसी रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे। तो यहां यूज क्या लेते हैं, एक बफर लेते हैं, नाम है बोरेट बफर, और उसकी जो पीएच है वो लगभग 9.2 के आसपास रहती है। इस रिएक्शंस में पीएच चेंज नहीं होनी चाहिए, तो क्योंकि यहां KOH बन रहा है तो हम इसकी पीएच को क्या रखेंगे, कांस्टेंट रखेंगे, और इसके लिए यूज क्या लेते हैं, बोरेट बफर लेंगे जिसकी पीएच कितनी है, 9.2 है, बफर सॉल्यूशन वाला है ये बोरेट बफर। तो क्या हो गया, ओजोन का क्वांटिटेटिवली एस्टीमेशन कैसे होगा, पहली, और ये दूसरी। अब आते हैं हमारे पास क्या बची है, ओजोन की स्ट्रक्चर पे आ जाते हैं। ओजोन की स्ट्रक्चर फोर्थ हमारे पास है, स्ट्रक्चर ऑफ ओजोन, ये है ओजोन O3, और हमने पढ़ा है कि इसकी स्ट्रक्चर जो है वो वाटर से मिलती जुलती है। बस वाटर में दो ऑक्सीजन है, या SO2 से मान लें, आप SO2 से मान लें, SO2 में S को हटा के एक O लगा दे तो O3 हो जाएगी, वो SO2 से तो बिल्कुल मैच करती है। तो यहां आते हैं, इस तरह की स्ट्रक्चर है इसकी, एक डबल बॉन्ड, एक डेटी बॉन्ड, और यहां एक लोन पेयर है, ये है इसकी। और ये क्या शो करता है, रेजोनेंस शो करता है किसके साथ, किस तरह से इसमें रेजोनेंस होता है, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, अगले में यहां सिंगल और यहां डबल। तो होगा क्या, इन दोनों को मिला के मैं क्या बना दूं, ओजोन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। तो कैसे बनेगा, ओ इधर एक ओ डॉट 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 यहां एक ओ, ये है ओजोन का रेजोनेटिंग हाइब्रिड। ये एक बॉन्ड लंबा हो गया है, छोटा हो जा भाई तू, ये हो गया। अब आते हैं इसमें बॉन्ड एंगल कितना है और इसमें बॉन्ड लेंथ कितनी है। तो जो बॉन्ड एंगल है वो है 117 डिग्री सेल्सियस और सेल्सियस तो टेम्परेचर हो गया 117 डिग्री, और ये जो बॉन्ड लेंथ है वो है 128 पिकोमीटर, ये हो चाहिए हो। और इन दोनों बॉन्ड की ओ जो दोनों बॉन्ड है ये हो चाहिए ये वाला हो, इन दोनों बॉन्ड की बोथ OH OO बॉन्ड लेंथ कैसी होगी, सेम होगी, ध्यान रखना, क्यों होगी, ड्यू टू रेजोनेंस, इसमें रेजोनेंस होता होगी कितनी, 128 पिकोमीटर। अब लास्ट क्या हमारे पास, इसका यूज है, यूज में याद क्या रखें, क्या है ये, एक तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, दूसरा हमारे पास क्या है कि हमें यूवी लाइट से क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। बस ये दो ही यूज आप याद रखें, और इसी के साथ क्या खत्म हुआ, ओजोन खत्म हो गया बच्चों। अब हम कहाँ चलते हैं, हमारे तीसरे
टॉपिक के पास, वो क्या है कि ओजोन या ऑक्सीजन की रिएक्शन जब किसी एलिमेंट से होती है तो वो किन में चेंज हो जाता है, एलिमेंट ऑक्साइड में। तो अगला जो टॉपिक है वो ऑक्साइड का ही है। ऑक्साइड में आ जाते हैं, ऑक्साइड अगला हमारा तीसरा टॉपिक है। फर्स्ट था डाइऑक्सीजन, सेकंड था ओजोन और थर्ड हमारे पास क्या है, ऑक्साइड है। तो फर्स्ट आते हैं ऑक्साइड है क्या, बाइनरी कंपाउंड है, जैसे हाइड्राइड थे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। किसके हैं, एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट हो सकता है, प्लस ऑक्सीजन, ये इनके बाइनरी कंपाउंड है। तो हम अब आगे कहाँ चले, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड में चलते हैं हम लोग। तो जो ऑक्साइड का क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड, दो तरह के ऑक्साइड हैं। फर्स्ट को कहते हैं सिंपल ऑक्साइड और अगला हमारे पास आएगा मिक्स्ड ऑक्साइड। फिर सिंपल ऑक्साइड में तीन है, एसिडिक, बेसिक चार है, न्यूट्रल और अगला चौथा कौन सा है, एम्फोटेरिक है। एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड और एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो हम फर्स्ट आ जाते हैं सिंपल ऑक्साइड में। सिंपल ऑक्साइड में फर्स्ट हम किस में चले, इसमें भी एसिडिक ऑक्साइड में। एसिडिक ऑक्साइड कौन है, जनरली क्या होते हैं, यदि ऐसे ऑक्साइड, ऑक्साइड जिसको यदि हम वाटर में डिजोल्व करें तो हमें क्या दे दें, वो वाटर में डिजोल्व करने पर हमें क्या दे दें, एसिडिक सॉल्यूशन दे दें, या वो खुद किस में चेंज हो जाए, एसिड में चेंज हो जाए। तो क्या हुआ, दोज ऑक्साइड्स विच ऑन डिजोल्विंग इन वाटर फॉर्म ए एसिडिक सॉल्यूशंस। तो एसिडिक सॉल्यूशंस का प्रिपरेशंस कर लेंगे। अब एग्जांपल आ जाते हैं इसके, कौन कौन से हैं, इसी में एक और लाइन, जनरली नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। जो नॉन मेटालिक ऑक्साइड होते हैं वो एसिडिक होते हैं, जैसे SO2 प्लस वाटर क्या बना, H2SO3, SO3 प्लस H2O क्या बना, H2SO4, ये सल्फ्यूरस एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड, CO2 प्लस H2O क्या बनता है, कार्बोनिक एसिड। तो इस तरह से आप किसी भी ऑक्साइड को क्या करें, वाटर में डिजोल्व करते हैं और वो वाटर को एसिडिक कर देता है, तो वो ऑक्साइड कैसा हुआ, एसिडिक हुआ। जनरली कौन होते हैं, नॉन मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो एसिडिक होते हैं। याद रखना अब अगला पॉइंट, मेटल ऑक्साइड इन विच ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल is high are also acidic oxide। अब metal oxide हमें मालूम है, metal oxide generally कैसे होते हैं, basic होते हैं, लेकिन यदि कोई metal oxide ऐसा है जिसमें metal के ऊपर का positive charge बहुत ज्यादा है, उस condition में वो metal oxide किसकी तरह काम करेगा, basic की तरह। जैसे example देता हूं, MnO, MnO2, Mn2O7 इसकी बात करें, तो इन तीनों में मैं चेक करूं, यहां मैग्नीज पे चार्ज प्लस टू है, यहां प्लस फोर है और यहां प्लस सेवन है, ये दोनों कैसे हैं, बेसिक हैं। ये कैसा है, ये एसिडिक है, क्यों है, यहां देखें यदि मैं इस Mn2O7 को वाटर में डिजोल्व करूं तो ये क्या बनाता है, HMnO4 और ये क्या है, परमैंगनीक एसिड है, ये परमैंगनीक एसिड है। ये जैसे पोटेशियम परमैंगनेट, वो तो सोल्ट है पोटेशियम का, यहां क्या है, ये परमैंगनेटिक एसिड है। इसी तरह से दूसरा जो मेटल ऑक्साइड है वो है CrO3, इसको दिया वाटर में डिजोल्व करोगे तो ये बनाएगा H2CrO4, ये है क्रोमिक एसिड, क्रोमिक एसिड है ये।
ये दोनों कैसे हो गए हमारे पास, ये दोनों हो गए हैं एसिडिक ऑक्साइड है, याद रखना मेटल ऑक्साइड, जिनकी जिनमें मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा है वो भी क्या है एसिडिक ऑक्साइड। खत्म हुआ एसिडिक ऑक्साइड, अब किस पे आ जाते हैं बेसिक ऑक्साइड पे आ जाते हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं ऑक्साइड पढ़ रहे हैं, तो बेसिक ऑक्साइड में क्या होगा सेकंड हमारे पास है बेसिक ऑक्साइड, कौन से मेटल ऑक्साइड्स, मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, जनरली बेसिक होते हैं। अब उसके बाद क्या है अगला, व्हेन हटा दें ए ऑक्साइड विच मेक वाटर बेसिक ऑन डिसोल्यूशन आर नोन एज ए बेसिक ऑक्साइड, उन्हें बेसिक ऑक्साइड कहते हैं। और जनरली कौन होते हैं मेटल ऑक्साइड, जैसे एग्जांपल ले लें Na2O या क्या ले लें Fe2O3, ये भी कैसा है बेसिक है, MgO ले लें, इन सब इनमें से किसी को भी ले लें, ये सारे क्या है बेसिक ऑक्साइड है। तो बेसिक ऑक्साइड को वाटर में डिजोल्व करें, जैसे ये ले लिया हम लोगों, तो क्या बन गया इधर NaOH एक्वस, NaOH क्या है बेस है। MgO को ले लें वाटर में डिजोल्व करें तो क्या बन जाएगा MgOH का होल ट्वाइस, Fe2O3 को ले लें प्लस वाटर में डिजोल्व करें तो क्या बनेगा FeOH का होल थ्राइस, और ये सारे क्या हैं ये बेस हैं। और यदि इनमें से किसी भी मेटल ऑक्साइड की रिएक्शंस किससे हो जाए, मेटल ऑक्साइड कैसे हैं बेसिक हैं, इनकी रिएक्शन एसिड से करवा दें तो क्या बनेगा सोल्ट प्लस वाटर बनता है। ये ऊपर रह गया था हमारे पास, यदि एसिडिक कौन सा मेटल ऑक्साइड कैसा हो जाए एसिडिक ऑक्साइड हो, और तो एसिडिक ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक नहीं नॉन मेटालिक लिख देता हूं यहां पर, नॉन मेटालिक ऑक्साइड कैसे होते हैं एसिडिक होते हैं, इनकी रिएक्शन हम किससे करा दें बेस से करवा दें तो भी क्या बनेगा सोल्ट प्लस H2O। तो इन दोनों की मैं यहां रिएक्शन मेंशन कर देता हूं, पहले लिखते हैं मेटल ऑक्साइड Na2O कैसे हैं खुद बेसिक हैं, तो किससे करा दो रिएक्शन में एसिड के साथ क्या बन जाएगा NaCl प्लस वाटर। अब सेकंड में ले लेता हूं मैं नॉन मेटालिक ऑक्साइड यानी SO2 ले लेता हूं, रिएक्शन करा देता हूं इसकी NaOH के साथ तो क्या बन जाएगा Na2SO3 बनेगा प्लस क्या बनेगा H2O, ये सोल्ट है। तो हुआ क्या, चाहे मेटालिक ऑक्साइड हो तो उसकी एसिड के साथ, नॉन मेटालिक ऑक्साइड की रिएक्शन बेस के साथ करवा दें, दोनों के दोनों क्या बना लेते हैं सोल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशंस करते हैं। क्या खत्म हुए हमारे पास बेसिक ऑक्साइड, अब तीसरा चलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड पे। एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन है, वो ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव करते हैं। थर्ड नंबर हमारे पास कौन है एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, कौन होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स विच बिहेव लाइक एसिड एज वेल एज बेस, वो आर नॉन एज ए एम्फोटेरिक ऑक्साइड, उन्हें हम एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, जो जिंक है और जिंक ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक हैं, एल्यूमिनियम और एल्यूमिनियम ऑक्साइड दोनों एम्फोटेरिक हैं, पीबी का कौन सा पीबी पीबीओ टू भी कैसा है एम्फोटेरिक है, और एंड में है SNO2 ये भी कैसा है एम्फोटेरिक है। तो ये पीबी भी एम्फोटेरिक है और SN भी एम्फोटेरिक है, ये चारों मेटल हैं और ये इनके मेटल ऑक्साइड हैं, ये सारे के सारे कैसे हैं एम्फोटेरिक हैं। अब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड की डेफिनेशन और उसकी एसिड और बेस के साथ रिएक्शंस, तो मैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रिएक्शंस हम लोग पढ़ लेते हैं यहाँ पर।
यह है एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूं मैं, पहले एसिड के साथ करा देता हूं। तो यहां यदि ये एसिड है तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। रिएक्शन होने पर पहले मैं रिएक्शन सिंपल करवा देता हूं, AlCl3+ क्या बनेगा, H2O। ये H2O जो है ये वाटर में AlCl3 के फॉर्म में नहीं रहता है, ये कॉम्प्लेक्स बना देता ऐसा, और ये इस फॉर्म में रहता है। यहां बाहर क्या लिख दें हम, 3Cl- या Cl3 करके लिख दें, ये इस फॉर्म में रहता है। तो पहले आप ये बना लेना AlCl3, और इस AlCl3 को इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के फॉर्म में लिख देना है आपको। सेकंड आते हैं हम लोग एल्यूमिनियम की किसके साथ रिएक्शन, एल्यूमिनियम एलुमिना की NaOH के साथ। या NaOH क्या है, बेस है, तो ये किसकी तरह काम करेगा, एसिड की तरह। रिएक्शंस क्या होगी, इसके 3 मॉलिक्यूल की इसके AlOH के होल थ्राइस के साथ रिएक्शंस करा दो। ध्यान रखना यहाँ तीसरा रिएक्टेंट वाटर है, इसे भूल जाते हैं बच्चे। यहाँ तीन रिएक्टेंट है, H2 है हमारे पास, यहाँ तीसरा। तो होगा क्या, AlOH का इस Al2O3 को आप AlOH के होल थ्राइस में चेंज कर दो, और NaOH के 3 मॉलिक्यूल 3 NaOH इन दोनों को जोड़ दो। तो क्या बनेगा यहाँ पर, Na कितने हो गए, 3। ये 3 NaOH लिए थे, स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो यहाँ पर। यहाँ क्या लिख दो, AlOH कितने हो गए टोटल, 3, तो यहाँ वाले और 3 यहाँ वाले, 6। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, ये एक्वस है, इस तरह से रिएक्शंस हो जाती है। इसका नाम क्या है, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, सोडियम मेटा एल्यूमिनेट, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। तो यहां पर भी कॉम्प्लेक्स बना, यहां पर भी कॉम्प्लेक्स, यहां Cl- पीछे की तरफ है, या Na3 आगे की तरफ है, या H2O का होल 6 है, या OH का होल 6 है, और दोनों के दोनों क्या है, एक्वस है। किसके साथ रिएक्शंस हो गई है, एसिड के साथ भी हो गई और बेस के साथ भी हो गई। ये दोनों कैसे, ये चारों कैसे ऑक्साइड है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। अब चलते हैं हमारे अगले और इसके लास्ट वाले में, और वो कौन से है, न्यूट्रल ऑक्साइड। न्यूट्रल ऑक्साइड में सिंपल सा है, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है, और कुछ एलिमेंट्स के एग्जाम्पल हमारे पास है, जनरली वो नॉन मेटल के ऑक्साइड है। कौन कौन से हैं, फोर्थ हमारे पास केवल नाम ही लिखेंगे हम लोग उसमें, न्यूट्रल ऑक्साइड, ना तो एसिडिक है ना बेसिक है। वाटर में भी डिजोल्व कर दो तो वाटर को ना तो एसिडिक करेंगे ना बेसिक करेंगे। ये तीन एग्जाम्पल याद रखना, नाइट्रस ऑक्साइड, लाफिंग गैस, नाइट्रिक ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड, ये तीनों ऑक्साइड कैसे हैं, न्यूट्रल ऑक्साइड हैं। अब हम कहाँ चलते हैं हमारे पास, अब अगला हमारे पास जो है वो है मिक्स्ड ऑक्साइड। अब हम आगे चलते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड में, क्या खत्म हो गया, सिंपल ऑक्साइड हमारे पास। अब आ जाते हैं मिक्स्ड ऑक्साइड में, मिक्स्ड ऑक्साइड क्या है, ऑक्साइड विच कंसिस्ट टू सिंपल ऑक्साइड, एक ऐसा ऑक्साइड जिसके अंदर दो सिंपल ऑक्साइड है। एग्जाम्पल हमारे पास है Fe3O4। Fe3O4 में कौन है, एक तो Fe है और एक Fe2O3 है। इन दोनों के एक एक मॉलिक्यूल को मिक्स कर दो, Fe कितने हो गए, 3, O कितने हो गए, 4। दूसरा है Pb3O4, 3O4 है, लेकिन दोनों में जो ऑक्साइड है वो अलग अलग है। यहाँ है दो तो PbO और एक है PbO2, दो Pb है यहाँ पर, तो यहाँ एक Pb कितने हो गए, 3, और ये 2 हो गए हैं, और ये 2, तो कितने हो गए, O 4 हो गए हैं। ये इन दोनों का कॉम्बिनेशन है, इसके 2 मोल है, इसके 1 मोल है यहाँ पर, इसको हटा देता हूँ। ये हो गया Pb3O4। अगला हमारे पास क्या है, इन्हें कहते क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड। इन मिक्स्ड ऑक्साइड ऑल सिंपल ऑक्साइड्स शो देयर प्रॉपर्टीज,
जो मिक्स्ड ऑक्साइड है उसके अंदर जो जो ऑक्साइड है वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं। ध्यान रखना ये Fe3O4 में FeO और Fe2O3 दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे और Pb3O4 में PbO और PbO2 दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी को शो करेंगे। बस इतना ही हमारे पास क्या है, मिक्स्ड ऑक्साइड में है। ध्यान क्या रखना एक और चीज कि मिक्स्ड ऑक्साइड में क्या होगा, मेटल जो है या जो भी एलिमेंट है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है, ऑक्सीडेशन स्टेट कैसी होती है, डिफरेंट होती है, अलग अलग होती है। जैसे FeO में Fe पे चार्ज क्या है 2+ और Fe2O3 में Fe पे चार्ज क्या है 3+। इसी तरह से PbO में Pb पे चार्ज क्या है 2+ और PbO2 में Pb पे चार्ज क्या है 4+। तो बच्चों खत्म क्या हुए हमारे पास, ऑक्साइड कितने तरह के थे, दो, सिंपल और मिक्स्ड। सिंपल में कितने थे, चार थे, एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल और जो बच गया है एम्फोटेरिक। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आने पे 3 काम करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू बच्चों।